press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर्स शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड आई एम कुश पांडे. आपका स्वागत है हमारे खास शो में जहां पर हम फोकस करते हैं उन सारी खबरों पर जो मैटर करती है फ्रॉम द पेपर दैट इज़ द हिंदू. तो चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं सबसे पहले हमारे आज के मॉर्निंग कोट ऑफ द डे की ओर. और ये रहा आपके सामने द मॉर्निंग कोट ऑफ द डे गाइस, एंड दिस इज द थिंग, स्माइल इन द मिरर, डू दैट एवरी मॉर्निंग एंड यू विल स्टार्ट टू सी अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ. तो मैं तो कहता ही हूँ आपसे सुबह सुबह शो के अंदर कि सुबह सुबह अपनी बत्ती सी दिखाइए मिरर के सामने. एंड इसी कोड के साथ जो भी लोग यहां पर हमारे साथ अभी मौजूद हैं वो एक साथ अपनी स्माइल को दिखाएं, बिकॉज आई वांट एवरीवन टू कीप ऑन स्माइलिंग. एंड सो स्माइल इन द मिरर, डू दैट एवरी मॉर्निंग एंड यू विल स्टार्ट टू सी अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ. दैट इज एज पर योको ओनो, हु इज अ फिलोसोफर. सो गाइज, वेलकम टू द शो एंड लेट्स स्टार्ट नाउ. एंड अब आपको दिखा दें सबसे पहले हमारे आज के इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स कौन कौन से हैं, और वो ये रहे आपके सामने. एंड दीज आर नाउ द पेज नंबर्स. वी हैव टू हेडलाइंस ऑन पेज नंबर 1. And then we have 7, then we have a headline on 11, then 12, then we have two headlines on page number 13, then we have page number 14, then we have two financial terms, then page number 15, page number 16, then we have 17, 18, and then we have today other headlines 10. So, दोस्तों हम फिर से वापस आ गए हैं अपने पुराने format में, and we've provided I guess around 10 headlines, 10 around 12 headlines from the Hindu, and then 10 headlines from the other papers and other sources. So, overall we have around 20-25 headlines जो आज हमारे पास हैं. तो चलिए पहले आपको दिखा दें कि आज हमारे newsmakers कौन कौन से हैं. तो उनमें पहला है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडिया इज़ द थर्ड मोस्ट वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स ग्लोबली आफ्टर यूएस, आफ्टर चाइना, आफ्टर दीज टू कंट्रीज, इंडिया इज़ नाउ द थर्ड मोस्ट वल्नरेबल टू साइबर थ्रेट अटैक. चाहे रैनसमवेयर हो, चाहे वॉनाक्राई हो, तो जो थर्ड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ द डेंजर ऑफ हैविंग द साइबर अटैक्स, दैट इज़ अपना आमची इंडिया. That is the first newsmaker. Second, we have Namo. No government has honored Ambedkar like us. I'll again repeat, ये बहुत ही emotional इनका speech है, पर again ये exam में आपके सामने नहीं आएगा, जो कि आप screen पर देख सकते हैं. That is point number 2. Then we have newsmaker number 3. Jet Airways set to buy 75 more Boeing 737 Max aircraft. ये अगर बात करें तो इसमें भी कोई खास खबर नहीं है. And then let's come to the last part. Ronaldo excels in Real Madrid's facile win. Again, it is not very important. So एक बार फिर से दिखा दें, only newsmaker from the newsmakers of the Hindu that can come in the examination, that is the first headline, that is India third most vulnerable to cyber अटैक्स ग्लोबली. सो इसकी हम आगे चलकर बात करेंगे, तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा, एंड विल डिस्कस दिस इन दी कमिंग हेडलाइंस टू कम. चलिए अब आपको ले चलते हैं हमारी आज की पहली खबर पर, और ये रही आपके सामने द फर्स्ट हेडलाइन, एंड दिस इज द हेडलाइन गाइज. वेल, ये बच्चे हैं, दीज आर स्टूडेंट्स. हम भी अपने स्कूल में ऐसे ही पढ़ते होंगे, बट ऑफ लेट द CBSE has been taking the brunt. उसको उस पर कई आरोप लगे हैं. पहले इकोनॉमिक्स का और शायद फिर मैथ्स का पेपर लीक हुआ था, जिस वजह से the image, the brand, the trustworthiness on CBSE has taken a beating. काफ़ी बड़ी लेवल पर उसको एक दिक्कत का सामना करना पड़ा है. And now there is a panel which will probe, which will analyze and recommend any suggestions and improvements in the CBSE model and also in the examinations in India, especially for the 10th and 12th. तो स्क्रीन पे आपको दिखा दें,
पैनल टू प्रोब CBSE क्वेश्चंस लीक्स स्क्रीन पे आपके सामने आ गया है और तब तक हम इसको हम जूम करेंगे, तब तक बात समझिएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जो HRD मिनिस्ट्री है उसके हिसाब से कहा गया है कि दे हैव फॉर्म्ड अ पैनल एंड दैट पैनल इज हेड बाय, इफ आई एम करेक्ट, VS ओबरॉय। एंड ये जो पैनल है, इस पैनल का मेन काम होगा ये चेक करना कि कैसे हम पेपर्स के लीक को कम करें। तो आपके लिए दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ हाई पार कमिटी टू एग्जामिन द सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग क्लास 10 एंड क्लास 12 एग्जामिनेशंस टू प्रिवेंट क्वेश्चन पेपर लीक। द कमिटी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द लीक्स इन CBSE 10th एंड 12th पेपर्स एंड इसकी रिपोर्ट सबमिट होगी फाइनल ऑन May 31। वेल एज सजेस्टेड अर्लियर, द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी विल बी रिटायर्ड सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन मिस्टर विनय शील ओबरॉय, जो इसके चेयरपर्सन होंगे। एंड दिस पर्टिकुलर कमिटी विल हैव 7 मेंबर्स, जिनके पास समय है 31 मई तक कि वो अपना जो एक डिसीजन है उसको प्रोवाइड करें। तो एक बार स्क्रीन पर आपको दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। द मिनिस्ट्री ऑफ HRD और इसकी मिनिस्टर हैं मिसेस स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि सुर्खियों में है पहले बिकॉज ऑफ द फेक न्यूज एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस कमिटी। दैट मिनिस्ट्री विल फॉर्म अ हाई पा कमिटी, एक उच्च स्तरीय एक कमिटी बनाई जाएगी जिससे कि दे विल एग्जामिन द क्लास 10 एंड क्लास 12 एग्जामिनेशन को। और इस कमिटी के अध्यक्ष होंगे मिस्टर विनय शील ओबरॉय। और बेसिकली ये फाउंड हुई है आफ्टर द लीक्स इन 10th एंड 12th बोर्ड पेपर्स ऑफ CBSE। और इनका जो यहाँ ज़रा ये करेक्शन कर दीजिएगा, May 31 है, May 3 नहीं है। सो बाय May 31 दे विल सबमिट देयर रिपोर्ट, दैट इज पॉइंट नंबर 4। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये सब पता होगा आपको कि पेपर्स लीक हुए थे, पहले क्लास 10 का मैथ्स का पेपर लीक हुआ एंड फिर आपका क्लास 12 का पेपर लीक हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक मैं फिर से बता दूँ आपको बात कि एक करेक्शन करना पड़ेगा, नया दिन ही ख़राब चल रहा है। जो HRD मिनिस्टर है उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, मतलब आज तो दिन ही शुरू खराब हुआ है। एंड जो INV मिनिस्ट्री है उनके मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी। तो ये करेक्शन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर द करेक्शन, पता नहीं कहाँ दिमाग है मेरा। सो बिल्कुल प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो मिनिस्टर HRD के हैं और जिनका MP में कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। और जो मिनिस्टर INV है उनका नाम है स्मृति ईरानी। भाई मान गया, कई लोग ने शुरू हो गया, बिल्कुल गलती हो गई मुझसे। चलिए, तो बेसिकली जावड़ेकर साहब की मिनिस्ट्री है एंड उसने ये यहाँ पर फरमान जारी किया है। नाउ लेट्स कम बैक टू द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि इस पर्टिकुलर कमिटी में कौन से आपके मेंबर्स होने वाले हैं, और जरा स्क्रीन पर दिखा दें। ये रहे मेंबर्स, यहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हैं VS ओबरॉय, जो कि हैं चेयरपर्सन इसके, ही वॉज द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन। देन वी हैव पवनेश कुमार, जो कि रिटायर्ड कंट्रोल एग्जामिनेशंस के थे CBSE के। और एक इंपॉर्टेंट नाम को मार्क कर दीजिएगा, जो है JS राजपूत। और अगर मैं सही हूं, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस गलती के बाद अब मैं गलती सही कर दूंगा, कि जो JS राजपूत साहब हैं, अच्छा ये राजपूत साहब जो हैं बेसिकली ये यूनेस्को के बोर्ड मेंबर भी हैं और अब वो यहाँ के बोर्ड मेंबर भी हैं। वापस स्क्रीन पे आते हैं, आज करेक्शन पे करेक्शन हम कर रहे हैं। सो लेट मी जस्ट रीफ्रेज अगेन, प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्टर हैं एंड मुझे बताया गया है सोर्सेस से कि महाराष्ट्र उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है एंड INV मिनिस्ट्री जो है वो है स्मृति जुबिन ईरानी की। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, थैंक यू सो मच अगेन गाइस। तो याद रखिएगा कि एक नई कमेटी बनी है, दैट कमेटी विल बी हेडेड बाय मिस्टर विनयशील ओबरॉय, जो कि उसके हेड होंगे। नंबर 1। नंबर 2, दिस कमिटी कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, जो कि 7 मेंबर्स के यहां पर हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2, इस पर्टिकुलर कमिटी को रिपोर्ट सबमिट करनी है May 31 तक एंड इट इज कंसर्न रिगार्डिंग द CBSE। तो चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं। सो गाइज आगे बढ़ते हैं एंड अगर ये सही हो गया है आपको तो एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए, येस सर दिस हेडलाइन इज नॉट क्रिस्टल क्लियर। और यहां पर JS राजपूत जी का नाम भी याद रखिएगा, जो कि UN के बोर्ड मेंबर भी हैं, ही वॉज रिटायर्ड NCERT चेयरमैन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन, और वो ये रही आपके सामने एंड दिस इज द हेडलाइन गाइज। वेल लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट इमेज, और इस इमेज की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये मॉनसून की इमेज है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक आपको सैम्पल दिया है कि मॉनसून कहाँ कहाँ से आता है और कब तक रहता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने डेट्स भी दी हुई हैं। वेल दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट डेट एज ऑफ दिस ईयर, बट दीज डेट्स आर ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि मॉनसून की हम बात करने यहाँ पर जा रहे हैं। तो वापस स्क्रीन पर दोस्तों आते हैं। सो बेसिकली मॉनसून इज़ एन इवेंट विच लीड्स टू अ ह्यूज रेनफॉल इन द कंट्री विच लीड्स टू बेनिफिट
benefit of the farmers and also for the overall agricultural production in the country. तो उसके लिए बहुत ही important है and अच्छी खबर आ रही है from the private company SkyMet and also in the coming days from the official company that official agency of India that is the Indian Meteorological Department की जो monsoon है वो normal होने वाला है वो below par यहाँ पर नहीं होने वाला है तो एक बार स्क्रीन पर हम दिखा दें इस हेडलाइन को मॉनसून लाइकली टू बी नॉर्मल दैट इज आर हेडलाइन गाइज प्राइवेट फोरकास्टर्स रूल आउट ड्रॉट मैं आपके लिए पढ़ता हूँ स्क्रीन पर और ये आपके सामने हम जूम भी कर देंगे कि अकॉर्डिंग टू स्काईमेट विच इज अ प्राइवेट कंपनी जो मॉनसून 2018 है वो नॉर्मल रहने वाला है विथ जीरो चांस ऑफ अ ड्रॉट सूखे की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल आपकी यहाँ पर कम है अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट फोरकास्टर दैट इज स्काईमेट यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू स्काईमेट जो एक चांसेस हैं वो है 100% पर विथ अ मार्जिन ऑफ प्लस माइनस 5% पर ओवरऑल 887 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल की उम्मीद है जो कि एक नॉर्मल मॉनसून का सूचक है एंड दैट विल लीड टू अ नॉर्मल रेनफॉल अ नॉर्मल मॉनसून इन द कमिंग डेज टू कम जो कि स्क्रीन पर आप फिलहाल देख भी सकते हैं यहाँ पर जो पीरियड रहेगा दैट विल बी अ 4 month पीरियड बिटवीन जून टू सेप्टेम्बर इस पीरियड में आपका मॉनसून आने वाला है जो कि रहेगा करीब करीब 887 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल तो एक बार स्क्रीन पर हम दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉट जो कि ये रहा आपके सामने मॉनसून 2018 इज लाइकली टू बी नॉर्मल विद जीरो चांस ऑफ अ ड्रॉट अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट फोरकास्टर स्काईमेट स्काईमेट के हिसाब से जो मॉनसून आने वाला है वो आपका नॉर्मल रहने वाला है एक सवाल आ रहा है प्रीति शर्मा का कोई कमेंट्स में गूगल करके बता दें उनको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी कि स्काईमेट के हेडक्वार्टर्स क्या हैं कहाँ हैं एंड हु इज द हेड ऑफ स्काईमेट क्योंकि वो एग्जाम में मेरे हिसाब से नहीं आता है सेकेंड बात करें देखिए यहाँ पर नॉर्मल मतलब होता है अगर इंडिया विल हैव मिनिमम 887 मिलीमीटर्स ऑफ एवरेज रेनफॉल इन द कमिंग 4 month पीरियड फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर दैट 887 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल विल बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल मॉनसून यहाँ पर एक और बात कही गई है कि 30% चांस है कि जुलाई अगस्त में आपका रेनफॉल बिलो नॉर्मल रहे तो ओवरऑल तो नॉर्मल है पर देर इज 30% चांस इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त कि आपका जो रेनफॉल है वो बिलो नॉर्मल रहे यहाँ पर जो ऑफिशियल फोरकास्ट है देखिए ये तो आपका एक प्राइवेट कंपनी है द ऑफिशियल फोरकास्ट फॉर द मॉनसूनस फॉर द रेनफॉल इंडिया दैट इज उसको मार्क कर देना द इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसका कहना है कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो आपका मॉनसून होगा वो नॉर्मल होगा प्रोडिक्शन है कि जो एल नीनो इफेक्ट है वो आपका मॉनसून में कम पड़ेगा इन दोनों को मार्क कर देना पहला चीज कि जो फोरकास्टर है उसका नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नंबर वन नंबर टू जो एल नीनो इफेक्ट है वो आपका कम रहने वाला है अब यहां पर सवाल बनेगा कि सर एल नीनो बेसिकली है क्या देखिए एल नीनो बेसिकली एक क्लाइमेट साइकिल है जो कि पैसिफिक ओशन में पाई जाती है जिससे कि ग्लोबल लेवल पर इंपैक्ट होता है वेदर पैटर्न्स का सो बेसिकली इट इज अ क्लाइमेट साइकिल especially in the Pacific Ocean, leading to changes in global weather patterns, जो कि important part है Second part, basically जब Pacific Ocean का water warm हो जाता है तो उस समय El Nino winds का शुरुआत होती है and इससे जो trade winds हैं वो weak पड़ जाती हैं और rainfall भी आपकी कम हो जाती है as per the sources. तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा चार चीज़ें नंबर वन मॉनसून shall remain normal as per the sources, as per SkyMet and as per the IMD That is the Indian Meteorological Department. उसका भी कहना है वो भी अनाउंस करेगा कि ये नॉर्मल रहने वाला है यहाँ पर जो एल नीनो इफेक्ट है वो आपका कम रहने वाला है बहुत डिटेल में एल नीनो मत जाइएगा जो मैंने लिखा है सिर्फ उसको ही पढ़िएगा कि एल नीनो एक क्लाइमेट साइकिल है पैसिफिक ओशन की जिससे ग्लोबल इंपैक्ट होता है आपका रेनफॉल पर और वेदर पर बेसिकली ये वार्म करता है पैसिफिक ओशन को जिससे कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो वीक होती हैं और रेनफॉल उतना ज़्यादा लिमिट में नहीं हो पाता यस नागा सतापल्ली इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बैंक and also for the banking interview तो please इसको बहुत ही देर से समझिएगा चलिए तो अब I hope we've covered two headlines first में मैंने आज blunder मारे हैं तो उसको correct कर लीजिएगा मैं शो के बाद comment में डाल भी दूंगा कि क्या मैंने error किया है पर second headline तो I hope आपको पूरी तरीके से यहाँ पर clear हो गई होगी और अगर हो गया है तो एक बार comments में डाल दीजिए yes sir yes sir yes sir it is clear या फिर आप लिख सकते हैं वाह सर वाह और अगर पसंद आया तो like भी आप कर सकते हैं चलिए तो वापस स्क्रीन पर आते हैं दोस्तों so we've covered
two headlines. First, we focused on the panel to probe CBSC question leaks, and second, we focused on the monsoon railways. Iski baat hum already yahan par kar chuke hain. Ek baar zara check kar liya jaye ki echo ka sound to nahi aa raha, because ek keh rahe hain ki echo ka sound hai. Chaliye ab dikhate hain aapko hamari next image, aur wo ye rahi aapke samne. Let's focus on our next headline, guys, jo ki page number 7 par hai. And फिर हम इस ग्राफिक पर जल्दी से आएंगे. वेल, मैंने आपसे कहा था कि जो न्यूज़ मेकर है इस हफ्ते का, वो है इस दिन का, वो है कि इंडिया इज नाउ एट द थर्ड स्पॉट इन टर्म्स ऑफ थ्रेट्स ड्यू टू साइबर थ्रेट्स. जो साइबर थ्रेट का एक जो साइबर अटैक का एक थ्रेट है, उसके में इंडिया जो है वो आपका 7वें नंबर पर है. तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें, इंडिया द थर्ड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू साइबर थ्रेट, दैट इज आर हेडलाइन गाइज. इट इज़ आफ्टर US एंड चाइना. तो मैं आपके पढ़ देता हूँ द फर्स्ट पैराग्राफ. इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द थर्ड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट्स सच एज मैलवेयर, स्पैम एंड रैंसमवेयर इन 2017, मूविंग अप वन प्लेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड नाउ इज इट एट द थर्ड स्पॉट. यहाँ पर फर्स्ट पे है आपका US, विच इज़ वल्नरेबल एट 26.61%, सेकेंड स्पॉट वी हैव चाइना इज वल्नरेबल एट 10.95%. यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि द रिपोर्ट्स नेम इज इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट. इस रिपोर्ट का नाम आपका ये, जिस रिपोर्ट में जो आप जो इंडिया जो जो हमारी जो जो इंडिया है वो आपका यहाँ पर थर्ड स्पॉट पर है, जो कि स्क्रीन पर आप फिलहाल देख भी रहे हैं. यहाँ पर इसके होते हैं 8 मैट्रिक्स. इट कंसिस्ट ऑफ 8 मैट्रिक्स गाइस. वी हैव मैलवेयर, स्पैम, फिशिंग, बॉट्स, नेटवर्क अटैक्स, वेब अटैक्स, रैंसमवेयर एंड क्रिप्टो माइनर्स. सो बेसिकली इस रिपोर्ट में इंडिया आपका थर्ड पे आया है. वापस स्क्रीन पे आते हैं. एक सवाल आ रहा है आलोक यादव का, सर व्हाट इज़ रैंसमवेयर? रैंसमवेयर इज़ अ मैलवेयर दैट अटैक्स कंप्यूटर्स, locks computers and asks for a ransom for opening up the files or computers. So basically एक ऐसा malware जो एक computer को lock कर देता है, और उसका usage तभी कर सकते हो जब आप उस particular malware का जो एक issue, जो उसका एक main agent है, उसको आप ransom pay करो या पैसा pay करो. तो basically that is the basic definition of a ransomware. तो एक बार स्क्रीन पर हम आपको दिखा दें the Hindu and static shots of this particular headline, वो ये रही आपके सामने. India has emerged as the third most vulnerable country in terms of risk of cyber threats such as malware, spam and ransomware in 2017. पिछले साल इंडिया आपका फोर्थ पे था, अब इंडिया इस समय आपका थर्ड पर आ गया है. अकॉर्डिंग एंड रिपोर्ट को मार्क कर दीजिए. इस रिपोर्ट का नाम यहां पर है इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट, दैट इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट गाइस. एंड इस रिपोर्ट में US फर्स्ट पर है एंड आपका जो चाइना है वो सेकंड पर है. ग्लोबल थ्रेट रैंकिंग बेस होती है आपकी 8 मैट्रिक्स पर. उसके नाम लिखे हुए हैं मैलवेयर, स्पैम, फिशिंग, बॉट्स, नेटवर्क अटैक्स, वेब अटैक्स, रैंसमवेयर एंड क्रिप्टो माइनर्स. बेसिकली बॉट्स आर कंप्यूटर ड्रिवन प्रोग्राम्स विच अटैक और इफेक्ट द वर्किंग ऑफ सिस्टम. बेसिकली ये सर्विस पे अटैक करते हैं. दे आर ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटेड कोड्स विच हैव अ सिंगल एजेंडा. तो वो आपके यहाँ पर बॉट्स होते हैं. बाकी अगर बात करें तो एक बार आप मुकेश शर्मा जी से बिल्कुल पूछिएगा कि ये सारे मेट्रिक्स आपके यहाँ पर क्या हैं. तो एक बार जरा स्क्रीन पर हम दिखा दें आपको फिर से वो इमेज इससे पहले वाली, जहाँ पर कि आप देख पाओगे कि रैंकिंग्स में और कौन कौन से देश इस पर्टिकुलर रैंकिंग में शामिल हैं, और वो ये रही आपके सामने. वैसे अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ अटैक्स, US में अटैक हुआ सबसे ज्यादा 309, और सेकंड पर हुआ तो वो आपका हुआ 133, जो कि इंडिया में आपका हुआ. इन टर्म्स ऑफ रैंसमवेयर डिटेक्शंस, US अगेन टॉप्ड एंड इंडिया रहा फोर्थ पे, चाइना आपका सेकंड पे रहा. तो ओवरऑल इंडिया एक हाई रैंकिंग पर है. इट इज अंडर अ बिग थ्रेट, जो कि स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं. चलिए वापस स्क्रीन पर आते हैं. राजीव रंजन, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उतना ही यहां डिस्कस किया जा रहा है. बहुत डिटेल में अगर जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. सो प्लीज ओनली फोकस ऑन द थिंग्स दैट वी स्टेटेड इन द कमेंट्स और इन आर हिंदू एंड स्टैटिक शॉट. उतना ही पढ़ लोगे तो काफी आपका यहां पर रहने वाला है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तब तक कमेंट्स में कोई डाल देगा जो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स हैं या जिनको जानकारी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिशिंग, ताकि जो हमारे दोस्त लोग हैं उनका यहां पर हेल्प हो जाए. मैं यहां पर एक और बार आपसे कर दूं कि वी हैव टू हेल्प ईच अदर आउट. फॉर एग्जांपल इफ समबडी नोज अ टर्म, ही इज मोस्ट वेलकम टू कमेंट दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन और दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट टर्म. तो ये सब एक साथ आप करना शुरू कर दीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज गाइस, और वो ये रही आपके सामने. एंड दिस इज द इमेज. आगे बढ़ते हैं इसके बाद. ये हमने कल डिस्कस किया था. अच्छा, ये इमेज की बात करते हैं दोस्तों. वेल, ये है हमारी आज की मैप प्रैक्टिस, और यहाँ पर आपसे मैं पूछूंगा
हम आज पूछेंगे आपसे इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द शो. यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द कैपिटल करेंसी एंड हेड ऑफ मंगोलिया एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मंगोलिया. चार चीज़ें आपको यहाँ बतानी है कि मंगोलिया का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है एंड ऑल्सो मंगोलिया में के कुछ हाईलाइट्स या उसके फीचर्स क्या क्या हैं, जो कि आप स्क्रीन पर बताने, जो कि आप शो के बाद कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा. सो ये हमारी आज की इंटरनेशनल मैप प्रैक्टिस है, ज़रा इसको मार्क भी कर देना. मंगोलिया के अगल बगल में रशिया भी है, चाइना भी, तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा आपका ये एक कंट्री है जो कि मेरे हिसाब से कवर्ड है ऑलमोस्ट बाय लैंड अक्रॉस इज बॉर्डर्स. तो आपको इसके बारे में बिल्कुल बताना है. चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं और आपको ले चलते हैं हमारी हेडलाइन पर. और ये जो हेडलाइन दोस्तों है, ये हेडलाइन है, वन सेकेंड, द हेडलाइन इज ऑन पेज नंबर 11. ओके, इंडिया, जापान एंड यूएस, दे हैड अ मीटिंग एंड इन दैट मीटिंग दे आर ट्राइंग टू कीप द सी ट्रेड और द सी लेन्स ओपन फॉर ट्रेड. तो भारत, जापान और यूएस का एक मीट हुआ. इट वॉज अ ट्राइलैटरल मीट. इन दैट मीट सेवरल थिंग्स वर डिस्कस्ड एंड सेवरल रेजोल्यूशंस वर टेकन. कई तरह के वहाँ पर मुद्दों पर बात की गई और कई वहाँ पर समझौतों को अग्री किया गया. एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो वेन्यू है इसका, जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, उनका एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आपके सामने आएगा. तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें, इंडिया, जापान, यूएस स्ट्रेस कीपिंग सी लेन्स ओपन. ये आरसी के लिए, एडिटोरियल के लिए और क्लोज टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एज सच इससे सवाल सिर्फ एक ही बनेगा बैंकिंग में, पर अगर हम आरसी की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. तो इसको आरसी नज़रिए से बिल्कुल पढ़िएगा बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है. सीनियर डिप्लोमैट्स ऑफ इंडिया, जापान एंड यूएस हेल्ड द 9th ट्राइलैटरल मीटिंग हियर ऑन वेंसडे फोकसिंग ऑन कनेक्टिविटी, काउंटर टेररिज्म एंड अदर रीजनल एंड ग्लोबल इशूज ऑफ कॉमन कंसर्न. अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इटसेल्फ. तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि इस मीटिंग का नाम है द 9th ट्राइलैटरल मीटिंग. क्या नाम है इसका? द 9th ट्राइलैटरल मीटिंग. एंड इस मीटिंग में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, जापान ने पार्टिसिपेट किया और यूएस सपोर्ट पार्टिसिपेट किया. दे फोकस्ड ऑन वेरियस मेजर्स लाइक कनेक्टिविटी, काउंटर टेररिज्म एंड अदर रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज. जो यहाँ पर मेन मुद्दा वो ये था कि जो एक सी ट्रेड है उसको यहाँ पर ओपन किया जाए, जो सी ट्रेड है उसको अभी भी ओपन किया जाए एंड उस पर कोई भी पाबंदी यहाँ पर ना लगाई जाए. तो वापस दोस्तों स्क्रीन पर आते हैं. इस बात को याद रखिएगा कि स्पेशली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट चाइना हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन टर्म्स ऑफ सी ट्रेड. सो यूएस चाहता है कि भारत भी अपने सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा रोल प्ले करे एंड बिकॉज ऑफ विच जापान, इंडिया एंड यूएस हैव कम टुगेदर एंड दे हैव रिक्वेस्टेड ईच अदर टू कीप ऑन वर्किंग ऑन द सी ट्रेड. तो इसको एक बार आप शो के बाद पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आरसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बिकॉज ऐसे आरसीज एग्जाम में आते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस. सो वी हैव कवर्ड टिल पेज नंबर 11. अगर यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, सर ये डाउट है. अगर नहीं है तो अगर पसंद आया शो तो उसको लाइक भी करते जाइएगा. चलिए अब आगे चलते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर. और उससे पहले एक बार देख लीजिएगा, 9th ट्राइलैटरल मीटिंग इंडिया, जापान एंड यूएस टू प्लेस इन न्यू दिल्ली. इट फोकस्ड ऑन कनेक्टिविटी, काउंटरिज्म एंड अदर इशूज़. ये मीटिंग में क्रूशल था बिकॉज चाइना और जो यूएस है उसके बीच एक ट्रेड वॉर हो रहा है जहाँ पर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उस पर टैरिफ को इंक्रीज यहाँ पर किया गया. दे हैव इंक्रीज्ड द टैरिफ्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट जो कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ पर वो कोशिश कर ही जा रही है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वापस स्क्रीन पे आते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट इमेज पर. तब तक बिकी मोंडाल ने दिए हैं 50 रुपये शो को. थैंक यू सो मच फॉर द डोनेशन बिकी, इट मीन्स अ लॉट. अब दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज और वो ये रही आपके सामने. एंड दिस इज इमेज गाइज फ्रॉम इंटरनेशनल मैप प्रैक्टिस. लेट्स फोकस नाउ ऑन द मैप प्रैक्टिस ऑफ इंडिया. यहाँ पर आज का जो आप प्रैक्टिस करेंगे शो के बाद वो करेंगे अबाउट गुजरात. आपको बताना है कि गुजरात में नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, नंबर वन. नंबर टू, वहाँ का फोक डांस कौन सा है. एंड नंबर थ्री, व्हाई इज़ गुजरात इन न्यूज़ इन द प्रीवियस 2 मंथ्स. तो 3 सवाल आपके हैं. पहला, नेम ऑफ द नेशनल पार्क्स इन गुजरात. नंबर टू,
what is the folk dance of Gujarat? And number three, why is Gujarati news in the previous 2 months? ये आपको Google करके मिल जाएगा. तो इसके तीन आंसर आप देंगे इस शो के खत्म होने के बाद इन दी कमेंट सेक्शन, एंड फिर इसको हम कल डिस्कस भी कर लेंगे. चलिए अब आगे चलते हैं, लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस. अब आपको ले चलें हमारी नेक्स्ट इमेज पर, और वो ये रही आपके सामने, एंड दिस इज द इमेज गाइज. वेल, ये तीन लोग हैं, ये तीन बहुत ही नकारे एकदम ही बेकार टाइप के लोग हैं. एंड इन तीनों के बारे में एक रिपोर्ट आई है, और उसमें पाकिस्तान का भी नाम है वो काफ़ी ख़राब हो गया है. सो एज पर द यूनाइटेड नेशंस टेरर लिस्ट, देयर आर एट लीस्ट 139 टेररिस्ट हु आर रिसाइडिंग इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग द लश्कर ए तोयबा विच हैव बीन नेम्ड इन द यूनाइटेड नेशंस टेरर लिस्ट. वापस स्क्रीन पे दोस्तों आते हैं. सो आपको पता है कि अभी हाल ही में जो एक संस्था थी जिसका नाम था FATF, दैट स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने कहा था कि कमिंग जून दे विल इंक्लूड पाकिस्तान इन द ग्रे लिस्ट. इट मींस दैट दे आर सजेस्टिंग दैट पाकिस्तान इज़ अ टेरर फंडर और अ टेरर फाइनेंसिंग कंट्री. अब जब से ये आपकी लिस्ट आई है कल, तो ये क्लियर हो गया है कि वो शरणार्थी भी देता है. ही दैट कंट्री प्रोवाइड्स असाइलम टू द टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, बिकॉज वहाँ पर दाऊद भी हैं, वहाँ पर जवाहिरी भी हैं, वहाँ पर एलईटी भी है, बाकी वहाँ तो एक से एक बेहद ही निहायती घटिया लोग भी वहाँ पर टेररिस्ट के रूप में वहाँ पर हैं. तो ये एक रिपोर्ट है जो कि है आपका द UN टेरर रिपोर्ट. एक बार स्क्रीन पर दिखा दे. द UN सिक्योरिटी काउंसिल्स अपडेटेड लिस्ट ऑफ टेररिज्म एंड मिलिटेंट ग्रुप हैज 139 एंट्रीज फ्रॉम पाकिस्तान अलोन, इंक्लूडिंग लश्कर ए तैयबा अकॉर्डिंग टू अ मीडिया रिपोर्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, दिस लिस्ट हैज़ बीन हेडेड बाय ओसामा बिन लादेन हेयर अपेरेंट, जो उनके जो नेक्स्ट उनके लाइन में थे, उनका नाम अयमान अल जवाहिरी है जो कि नंबर वन पे हैं इस लिस्ट के अंदर. एंड इट कंसिस्ट ऑफ पीपल लाइक हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम एज वेल, तो उनका नाम भी इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर यहाँ पर आता है. तो दोस्तों वापस स्क्रीन पे आते हैं. कई बार कोई हेडलाइन आपको दिखती है कि बहुत आसान है या बहुत इरेलेवेंट है, बट इस हेडलाइन से आपके बनेंगे दो सवाल. फर्स्ट सवाल कि इस लिस्ट का नाम क्या है, नंबर वन. नंबर टू, इस लिस्ट में आपके कितने आपके पाकिस्तानी एंटिटीज हैं. एंड नंबर थ्री, FATF के बारे में भी यहां से सवाल आपका बनेगा. तो एक बार स्क्रीन पर हम आपको दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने. In UN Security Council's consolidated list of terrorist on terrorist purporting organizations, 139, जरा मार्क कर दो वन, आज तो मिस्टेक हो रही है, 139 पाकिस्तान citizens and entities have been featured. तो ये 139 है, the number is 139. It includes Mumbai terrorist attack mastermind Hafiz Saeed, उसका outfit लश्कर तैयबा, Mafia Don Daud Ibrahim, कास्कर एंड हक्कानी नेटवर्क, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं. इसमें टॉप किया है जो अयमान जवाहिरी हैं उन्होंने. अगर हम बात करें तो जो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने वेलकम किया है इस चीज़ को, एंड दे हैव सेड दैट फाइनली द UN हैज एक्सेप्टेड दैट दीज पीपल आर टेररिस्ट एंड नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड. यहाँ पर पाकिस्तान भी न्यूज़ में है, बिकॉज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आएगा जून में बिकॉज ऑफ इट्स अलेजेड टेरर फंडिंग और इट्स फंडिंग टू द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. उसके लिए भी आपका वो यहाँ पर एक लिस्ट में आएगा. अब यहाँ पर सवाल बनेंगे, हाउ मेनी एंटिटीज, नंबर वन. नंबर टू सवाल बनेगा FATF का फुल फॉर्म. सवाल तीसरा बनेगा हेडक्वार्टर्स ऑफ FATF, एंड तीसरा बनेगा विच कंट्री विल बी इंक्लूडेड इन द ग्रे लिस्ट. यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, दो तरह की लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट. ग्रे लिस्ट मतलब ऐसी कंट्रीज जिन पर आरोप है, ब्लैक लिस्ट मतलब जिन पर आरोप तय हो गया है, एंड दोज कंट्रीज आर सर्टिफाइड टेरर फंडिंग नेशंस. तो अभी ये इन पर आरोप है, दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ टेरर फंडिंग, इसके लिए दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द ग्रे लिस्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. तो अगर यहाँ तक क्लियर है एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए यस सर क्लियर है, और अगर 50% भी यहाँ तक क्लियर है तो हम समझ पाएंगे कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है. चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज, और वो ये रही आपके सामने, एंड दिस इज़ द इमेज गाइज. वेल, अच्छी खबर आ रही है इन टर्म्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड, एंड ये खबर इसलिए भी अच्छी है बिकॉज इंडिया जो है वो अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ऑफ क्रूड स्टील. सो इंडिया हैज़ नाउ पिप्ड जापान एंड हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रूड स्टील. क्रूड स्टील के मामले में भारत ने जापान को हटाकर अब दुनिया का वो दूसरा ऐसा देश है जो सबसे अधिक मात्रा में मैन्युफैक्चर करता है आपके क्रूड स्टील को. इन अ मेजर अचीवमेंट, इंडिया हैज़ ओवरटेकन जापान
to become the world's second largest producer of crude steel in February, according to the Steel Users Federation of India. तो SUFI के जरिए कहा गया है कि जो भारत है वो अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का, और वो अब चाइना के बाद सेकेंड नंबर पर यहाँ पर है. स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि भारत का जो एक टारगेट है कि इंडिया वॉन्ट्स टू एड अप अराउंड 300 मेट्रिक टन्स ऑफ क्रूड स्टील बाय 2030, तो 2030 तक वो करीब 3000 MT मात्रा का जो एक आपका जो एक क्रूड स्टील है उसको करेगा. सो बेसिकली MTA स्टैंड फॉर मिलियन टन्स. सो दे हैव अ टारगेट ऑफ 300 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन बाय 2030. एंड ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे कह रहे हैं तुरखिया जी जो कि हेड हैं ऑफ द स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के, एंड उनके हिसाब से ये ऐसा इंडिया पॉसिबल हो पाएगा. तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें हम इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. According to the Steel Users Federation of India, SUFI, India has overtaken Japan to become the world's second largest producer of crude steel in February. फरवरी महीने में जो भारत है वो जापान से आगे निकल गया है स्टील प्रोडक्शन में. चाइना की बात करें तो उसका लार्जेस्ट है, एंड 50% जो प्रोडक्शन है क्रूड स्टील का वो होता है आपका, मोर देन 50 होता है आपका इन चाइना इटसेल्फ. अगर इंडिया की बात करें तो 2015 में इंडिया ओवरटुक US टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट, एंड नाउ दे हैव ओवरटेकन जापान टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट. यहाँ पर जो टारगेट इंडिया का है वो है कि 300 मिलियन टन वो आपका क्रूड स्टील बनाएगा बाय 2030. अगर बात करें हम SUFI की, इसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर निकुंज तुरखिया, एंड के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके हैं मुंबई के अंदर. आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर, और वो ये रही आपके सामने द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस. एंड बात करेंगे हम अब IBC के बारे में, जहां IBC का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016. तो इसके लिए दिखा दें स्क्रीन पर इस हेडलाइन को, चेंजेस टू IBC टू बी प्रोस्पेक्टिव, मतलब दे शुड बी स्पेसिफिक इन नेचर. तो आगे चलकर जो चेंज आएंगे आपके इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में, ये चेंजेस जो आपके आएंगे वो स्पेसिफिक होंगे. ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं द कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी मिस्टर इंजेती श्रीनिवास. उनका कहना है कि द चेंज इन द IBC विल बी स्पेसिफिक इन नेचर, विल बी डिटेल्ड इन नेचर. वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज देर हैज़ बीन अ 14-member पैनल दैट हैज़ बीन सेटअप विच हैज़ बीन हेडेड बाई मिस्टर श्रीनिवास, विच हैज़ रिकमेंडेड वेरियस चेंजेस टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. तो दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ को ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले कि IBC को लेकर उस कमेटी का नाम है श्रीनिवास कमेटी. श्रीनिवास का फुल फॉर्म का पूरा नाम है इंजेती श्रीनिवास, जो कि ना सिर्फ इसके हेड हैं बल्कि ही इज़ ऑल्सो दी कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी. एंड उनका ही कहना है कि जो IBC है उनमें वो चेंज लाने वाले हैं, एंड दोज चेंज विल बी स्पेसिफिक इन नेचर, जिसको हम कहते हैं टफ अंग्रेजी में प्रोस्पेक्टिव इन नेचर. सो दोज चेंजेस विल बी स्पेसिफिक और दे शैल बी प्रोस्पेक्टिव और स्पेसिफिक इन नेचर. तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और दिखा दें इसको. द 14-member पैनल हेडेड बाय श्रीनिवास हैज रिकमेंडेड वेरियस चेंजेस टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया. तो उसमें कई चेंजेस की वो बात यहां पर कर रहे हैं. अगर हम IBC की बात करें तो दिस पर्टिकुलर कोड प्रोवाइड्स फॉर रिओर्गनाइजेशन एंड टाइम बाउंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस. मतलब यहां पर ये होता है कि अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट है, अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट है, मतलब क्या, मतलब ये कि वो कंपनी पैसा पे नहीं कर पा रही है, तो उसको उसको कम समय में उसको इंस्टॉलमेंट कर देना या उसके लॉसेस को रिकवर कर देना, दैट इज़ द बेसिस, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ IBC. तो अगर ये अंग्रेजी आपको समझ में नहीं आ रही, परेशान ना होइएगा. टू ऑल द पीपल जो कि हिंदी समझते हैं वो समझिए ध्यान से कि एक ऐसा कोड है जो इस बात को बताएगा, सुनते रहना मेरे भाई, वो इस बात को बताएगा कि कैसे हम कम समय में, हाउ शैल वी इन लिमिटेड टाइम वी रिजॉल्व, वी रिकवर द लॉसेज और वी मेक अ कंपनी इंसॉल्वेंट एंड कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस. उस कंपनी के टोटल प्रोसेस को हम कैसे कंप्लीट करें, तो ये पहला पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें आपकी कंपनीज आ सकती हैं, इसमें आपके व्यापारी आ सकते हैं,
इसमें आपके जो बिग बिग बैंक्स हैं वो आ सकते हैं। बेसिकली जितने भी आपके कंपनीज हैं, व्यापारी हैं, बैंक्स हैं, अगर उनकी इंसॉल्वेंसी करानी है, इफ़ यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, तो उसको करने के लिए आता है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। एक बार ज़रा वापस चलें इमेज पर, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए तीन वर्ड्स होते हैं, इसको प्लीज़ याद करिएगा, इंटरव्यू में वर्ड्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। वन इज़ इंसॉल्वेंसी, द सेकेंड वन इज बैंक्रप्सी एंड द थर्ड वन इज लिक्विडेशन। तो उसको दिखा दें इमेज को, इससे पहले वाली, और वहाँ पर आप देख पाएंगे। पहला वर्ड है इंसॉल्वेंसी, पहले पढ़ता हूँ आपके लिए इंग्लिश में। इंसॉल्वेंसी इज द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन और कॉरपोरेशन टू पे देयर बिल्स एज एंड वेन दे बिकम ड्यू एंड पेबल। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर एक व्यक्ति अपने पैसे को, अपने बिल्स को, अपने ड्यूज को पे नहीं कर पाता है, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी। एंड जब हम लीगली डिक्लेयर करते हैं इंसॉल्वेंसी को, तो उसे हम यहाँ पर कहते हैं बैंक्रप्सी। एंड वॉट इज लिक्विडेशन? लिक्विडेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप अ कॉरपोरेशन और डिसकंटिन्यूइंग अ कंपनी। तो यहाँ पर आखिरी बार रिपीट करता हूँ मैं आपसे, ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर वन, इंसॉल्वेंसी इज द कंडीशन वेयर अ पर्सन इज unable to pay his amount, वो अपने पैसे को पे नहीं कर पाता है, मतलब ठन ठन गोपाल हो जाता है। अगर bankruptcy की बात करें तो bankruptcy is the legal definition, it is basically the legal declaration of insolvency, और liquidation होता है एक process जहां पर कि एक कंपनी को हम खत्म या बंद कर देते हैं। वापस स्क्रीन पे आते हैं, एग्जाम्पल है आपके सामने विजय माल्या, एग्जाम्पल है आपके सामने नीरव मोदी, सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड bankruptcy। वापस स्क्रीन पे दोस्तों आते हैं, अगर क्लियर हुआ तो मेरे को दाद देना, वाह सर वाह, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं, और अगर क्लियर हुआ तो शो को लाइक किए बिना मत जाना, वरना जनता मुआफ नहीं करेगी। चलिए अब आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज पर, और वो ये रही आपके सामने। लेट्स फोकस ऑन द दोहा बैंक गाइस, बिकॉज ये न्यूज में था और न्यूज में है, बिकॉज दोहा बैंक ने अपना एक नई ब्रांच ओपन की है इन चेन्नई। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं SBI क्लर्क की, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग द दोहा बैंक। तो कतर बेस्ड दोहा बैंक हैज़ ओपन्ड अ ब्रांच इन चेन्नई, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली दोहा बैंक जो था, वापस स्क्रीन पर आ जाए, दोहा बैंक जो था बेसिकली वो अभी फिलहाल मुंबई में था और कोच में था, नाउ इट हैज़ इट्स थर्ड ब्रांच इन द कंट्री, दैट इज़ नाउ इन चेन्नई। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, वन सेकेंड, आपके सामने स्क्रीन पर। कतर बेस्ड दोहा बैंक हैज़ ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच इन चेन्नई एंड स्पेशली इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, टेकिंग टोटल ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेज इन इंडिया टू 3। इससे पहले उसने मुंबई और कोची में ऑलरेडी अपनी ब्रांचेज यहां पर ओपन की हैं। तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें इसी का द हिंदू एनस्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने। कतर बेस्ड दोहा बैंक हैज़ कमेंस ऑपरेशंस इन चेन्नई, जो कि एक सेकेंड बैंक है आपका, आफ्टर द सेकेंड है सदर्न पार्ट्स में आफ्टर द कोची इन केरला, तो उसके बाद चेन्नई आपका यहाँ पर है, और ये थर्ड लोकेशन है ओवरऑल मुंबई कोची और कोची के बाद। एंड बेसिकली इसकी अभी जो एक डिपॉजिट्स हैं इंडिया में वो आपके सामने हैं 750 करोड़, इतना डिपॉजिट्स ये भारतीय बैंक इस बैंक के इंडिया में है। और अगर हम दोहा बैंक की बात करें, इसके CEO हैं मिस्टर राघवन सीतारमन। इसका सेटअप हुआ 1978 में, और बेसिकली ये आपका दोहा में बेस है, जो कि स्क्रीन पर आप फिलहाल देख भी पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें हैं, पहला इनका नाम है राघवन सीतारमन, सेकंड 78 में इसका एस्टैब्लिशमेंट है, और ये दोहा में आपका बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ सवाल बनेगा कि दोहा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, नंबर वन। नंबर टू, कब सेटअप हुआ, एंड इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा कि इसके ग्रुप CEO कौन से, एंड सवाल एक और बनेगा इम्पोर्टेंट कि वेयर इज़ द थर्ड ब्रांच ऑफ दोहा बैंक बिंग सेटअप। तो उसका आंसर होगा आपके सामने, ऑफ कोर्स दैट इज़ चेन्नई। तो वापस स्क्रीन पे आ जाते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज, और वो ये रही है आपके आप सामने, एंड ये है द नेक्स्ट इमेज गाइज। और बात करते हैं अब हम अपने फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में। तो एक बार स्क्रीन पे दिखा दें इस नेक्स्ट PPT में कि हमारे फाइनेंशियल टर्म्स आज के कौन कौन से हैं, और यहाँ पर रहा आपके सामने दो टर्म्स हैं दोस्तों, और पहले टर्म को मार्क कर देना, बिकॉज पहला टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज पिछले साल ये मैक्सिमम पेपर में आपका आया है, दैट इज द NCLT। तो एक बार स्क्रीन पे आ जाएं और आपको दिखा दें NCLT के बारे में, A4 शीट पर। NCLT स्टैंड फॉर, एंड ये सवाल एग्जाम में आया था, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो एक बार याद रखना कि NCLT का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नंबर वन।
नंबर टू सवाल बनेगा कि व्हाट इज एनसीएलटी, तो इसका आंसर बनेगा इट इज अ सेमी और सेमाई जुडिशियल बॉडी विच वर्क्स एज अ कोर्ट एंड इट टेक्स अप केसेस रिलेटेड टू इंडियन कंपनीज। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये चार कीवर्ड याद रखिएगा, चार जो मैं बता रहा हूं आपको, ओके। एंड इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है आपका एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, और ये स्टार्ट हुआ आपका है ऑन 1 जून 2016। इसकी 11 बेंचेस हैं जिसको आगे चलकर हम एक्सटेंड करेंगे, जो आपकी न्यू दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, सब जगहों पर हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हैं। एंड इसके जो प्रेसिडेंट हैं, और इसको जरा चेक कर लीजिएगा एक बार, मैं पूरा तरीके से श्योर नहीं हूँ, उनका नाम है MM कुमार। ये बता रहा हूँ मैं आपको ऑनलाइन, तो एक बार चेक कर लेना कौन है, पर अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी MM कुमार। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है, इसको ज़रा हम अच्छे जूम कर दें। सो NCLT स्टैंड फॉर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि इसका यहाँ पर नाम है, नंबर वन। नंबर टू इट इज़ अ सेमी जुडिशियल बॉडी, दैट इज़ नंबर टू। नंबर थ्री इट टेक्स अप केसेज रिगार्डिंग इंडियन कंपनी, जो भी इंडियन कंपनीज के मसले हैं, जो भी उन्होंने पंगे किए हैं, मर्जर की बात करें, एक्विजिशन की बात करें, जितने भी इश्यूज हैं उनको लेकर यहाँ पर NCLT देखता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट है दोस्तों अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, और इसका शुरुआत हुआ आपका 1 जून 2016 को, और इसके जो हेड है मेरे हिसाब से ही इज़ मिस्टर MM कुमार। एंड इसकी 11 बेंचेस हैं, इनमें 2 बेंचेस आर इन न्यू दिल्ली एंड द अदर बेंचेस आर इन अहमदाबाद एंड अदर सिटीज़ एज वेल, जो कि स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। तो अगर क्लियर हो गया ये चीज़ तो एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए यस सर इट इज़ क्लियर, ताकि हम अपने को आपको नेक्स्ट टर्म यहाँ पर दिखा पाएँ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म दोस्तों है, That is IoT, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो पहले तो इसका नाम याद रखिएगा, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और ये बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, ओके। बेसिकली इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस which is connected with each other through internet connectivity. तो पहले तो आपसे कोई पूछेगा कि बेसिकली सर IoT क्या है, तो IoT आपका एक नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस हैं जो कि एक साथ एक कनेक्टिविटी के जरिए वो आपके अटैच हो गए हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड वाया इंटरनेट, उसे हम यहाँ पर कहते हैं आपका एक IoT। इसका ये दिस पर्टिकुलर वर्ड वॉज कॉइंड बाय केविन एस्टन इन द ईयर 1999। तो स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वाईफाई से यू हैव योर फोन कनेक्टेड, यू हैव योर TV कनेक्टेड, यू हैव योर लैपटॉप कनेक्टेड, दिस कैन फॉल अंडर द IoT। तो स्क्रीन पर दोस्तों मैंने दिखा दिया आपको बेसिकली होता क्या है, वो मैंने आपको दिखाया, साथ मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली यहाँ पर IoT का एग्जांपल का मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। तो वापस जरा स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वी हैव कवर्ड नंबर वन द NCLT, नंबर टू वी हैव कवर्ड व्हाट इज द IoT। तो अगर ये क्लियर है तो एक बार देख लीजिएगा। एक सवाल आ रहा है सर, फिजिकल डिवाइस जो कि आप फिजिकली हेल्ड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी मोबाइल फ़ोन, इट कुड बी TV, इट कुड बी लैपटॉप, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो अगर यहाँ तक क्लियर है कमेंट्स में डाल दीजिए यस सर इट इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अब दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज, और वो ये रही आपके सामने। वेल, हिज नेम इज विल्किंस एंड दिस इज अ सेक्शन अंडर द स्पोर्ट्स सेक्शन, और ओबिचुरी का भी पार्ट है।
तो फॉर्मर इंग्लैंड एंड एमयू दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड मिडफील्डर रे विल्किंस हैज डाइड एट द एज ऑफ 61 फॉलोइंग अ कार्डियक अरेस्ट एट हिज एंड हिज फॉर्मर क्लब चेल्सी हैज अनाउंस्ड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ये एक फुटबॉल प्लेयर थे, इनका नाम है रे विल्किंस एंड ही हैज पास्ड अवे. ही प्लेड फॉर इंग्लैंड, ही प्लेड फॉर मैनचेस्टर एंड ही ऑल्सो प्लेड फॉर अ ब्रीफ टाइम फॉर द क्लब दैट इज चेल्सी. तो इनका देहांत हो गया है एंड ही हैज़ पास्ड अवे. तो सिंपल सी खबर है दोस्तों कि ओबिचुअरी सेक्शन खबर है, रे विल्किंस जो है उनका देहांत हो गया. ही वॉज अ फुटबॉल प्लेयर, ही प्लेड फॉर इंग्लैंड एंड ऑल्सो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज और वो ये रही आपके सामने, कलर गाइटी मार्क्स द ओपनिंग सेरेमनी. तो यहाँ पर मेरे को कौन बताएगा कि वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ गाइटी, बिकॉज ये तो बैंक में आएगा नहीं पर इंग्लिश में आ सकता है. सो हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड गाइटी, क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से पर वोकैब में इंग्लिश में आ सकता है. सो प्लीज़ टेल मी वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ गाइटी. तब तक हम बात करते हैं अपनी स्पोर्ट्स के बारे में, बिकॉज ये जो हेडलाइन है ये आपकी पेज नंबर 16 पर है एंड यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स. इसको दिखा दें एक बार और फिर वापस ले लें हम वापस इमेज पर, वापस आ जाएं स्क्रीन पर. तो बेसिकली ये आपका हुआ गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है आपका, ये स्टार्ट हुआ है, ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई. यहाँ पर जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो भी गए थे एंड ये अब आपका चलेगा आने वाले कुछ दो हफ्तों के लिए. तो वापस एक बार स्क्रीन पर आ जाएँ दोस्तों. अगर हम बात करें एक कॉमनवेल्थ गेम्स की तो सवाल बनते हैं उस पर, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ द वेन्यू, व्हाट इज़ द मोटो, what is the mascot, how many countries participating, who is the CEO of the games, opening ceremony में इंडिया की flag bearer कौन थी, closing ceremony में इंडिया की flag bearer कौन है. तो ये सब सवाल यहाँ पर बन सकते हैं. एक बार स्क्रीन पर हम आपको दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉट, जो कि अब स्क्रीन पर आपके आ जाएगा और ये रहा आपके सामने, उसी को दिखा दें उस हिंदू स्टैटिक शॉट्स को. लगता है समय लग रहा थोड़ा पर आ जाएगा. हाँ, वेन्यू है, जो वेन्यू था इस सेरेमनी का वो था करारा स्टेडियम और कैरारा स्टेडियम. द डायरेक्टर ऑफ दिस ओपनिंग सेरेमनी वॉज डेविड जॉकवा. द कॉमनवेल्थ गेम्स प्रेजिडेंट इज मिस्टर लुई मार्टिन. इंडिया वॉज लेड बाय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु. सैली पियर्सन हैंडेड ओवर द फाइनल टॉर्च टू मिस्टर लुई मार्टिन एंड देन टू प्रिंस चार्ल्स. फिफ्थ टाइम हो रहा है जब ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स को. इसका जो मोटो है वो है शेयर द ड्रीम. This particular event consists of 275 events in 19 sports. जो CEO इन गेम्स के हैं उनका नाम है मार्क पीटर्स. 71 nations are participating and जिसका mascot है that is Borobi, जिसका जो कि एक ब्लैक कोआला का एक नाम है, जो कि नाम दिया गया उसका नाम है आपका Borobi. तो ये 11 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देनी है फ्रॉम द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स. मैं यहाँ पर फिर से बताऊँगा आपको कि इंडिया जो जो यहाँ पर मेडल जीतेगी उन सब की लिस्ट मैं आपको बताता रहूँगा और वो लिस्ट आप एक बार देखते रहिएगा, बिकॉज वो लिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर और वो ये रही आपके सामने एंड दिस इज़ द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस. वी हैव अ न्यू प्रेसिडेंट एट BAI दैट इज़ द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया. उनका नाम दोस्तों है मिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा, जो कि असम में मिनिस्टर भी हैं. तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें इस हेडलाइन को. असम मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा has been elected as the president of the BAI and he was elected in the meeting that took place in Goa and he ab yahan ke naye president hain. In terms of the secretary general, to wo bane hain is organization ke Shri Ajay Kumar Singhania, who is a former Tamil Nadu Badminton Association president, jo ki iske ab secretary general bhi hain. एंड साथ में ट्रेजर बने हैं फॉर्मर तमिलनाडु के प्रेसिडेंट मिस्टर अनबुमनी रामादोस. तो इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गाइस कि BAI के अंदर नए चुनाव हुए हैं जहां पर कि जो नए अध्यक्ष हैं उसके उनका नाम है हिमांता बिस्वा शर्मा. तो बिस्वा एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन है, उस नाम से याद करिएगा कि हिमांता बिस्वा शर्मा बेसिकली बने हैं इसके हेड, किसके, ऑफ द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया. चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर, वो ये रही आपके सामने गाइस. BAFTA विच इज़ द ब्रिटिश अकेडमी एंड फिल्म टेलीविजन अवार्ड्स, इन दैट पर्टिकुलर अवार्ड दिस ईयर नॉमिनेशन हैज़ बीन गिवन टू इंडिया स्टेलर एक्टर अनुपम खेर. उनको मिला है इस बार सपोर्टिंग कैटेगरी में एक नॉमिनेशन और ये जो खबर है ये है हमारी लास्ट पेज पर, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 18.
So veteran actor Anupam Kher has secured a nomination in the Best Supporting Actor category at the British Academy Awards, British Academy and Film Television Awards 2018 for his role in the drama The Boy with the Top Knot. इसमें इनको सपोर्टिंग कैटेगरी में मिला है और ये अच्छी खबर है फ्रॉम द बाफ्टा अवार्ड्स. बाकी अनुरोध जॉन आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है बता दो कमेंट ताकि हम उसको सही कर पाएँ. पर यहाँ देखिएगा कि बाफ्टा अवार्ड्स में इस बार नॉमिनेशन मिला है टू अनुपम खेर एज दी सपोर्ट बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में फॉर द ड्रामा सीरीज दैट इज बॉय विथ द टॉप नॉट. चलिए तो वापस स्क्रीन पर आते हैं एंड अब आपको ले चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट हेडलाइंस पर. तो गाइज अब फिर से रीफोकस करिए क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस फ्रॉम अदर सोर्सेज फ्रॉम 4th ऑफ अप्रैल टू 31st ऑफ मार्च. 31 मार्च से 4 अप्रैल तक की जो अदर हेडलाइंस हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि कल से हम फिर से अपनी अदर हेडलाइंस को 5th अप्रैल से लेना स्टार्ट कर दें. सो टुडे नाउ विल डिस्कस द हेडलाइंस इंपॉर्टेंट फ्रॉम द अदर सोर्सेज फ्रॉम द डेट 31st ऑफ मार्च टू द 4th ऑफ अप्रैल. तो जो अनिता जी मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो उन लोग के लिए है बाकी लोग के लिए है एंड बाकी फिर हम जो रिमेनिंग होगा हिंदू का उसको हम आगे से डिस्कस करेंगे. सो लेट्स हैव द अदर करंट अफेयर्स फ्रॉम 31st ऑफ मार्च टू द 4th ऑफ अप्रैल और वो ये रही आपके सामने. न्यूजीलैंड हैज पास्ड अ न्यू लॉ टू इरेज एनी गे कन्विक्शंस. न्यूजीलैंड ने 1986 में दे हैड अलाउड गे मैरिज दे हैड अलाउड होमोसेक्सुअलिटी एंड उससे पहले जो भी ऐसे गे कन्विक्शंस थे जो क्रिमिनल केसेस थे ऑन पीपल हु आर गे एंड लेस्बियंस तो उनको लेकर उन्होंने अब कहा है कि उनके जो भी कन्विक्शंस थे उसको मुआफ़ किया जाएगा. सो न्यूजीलैंड्स पार्लियामेंट हैज़ पास्ड लेजिस्लेशन अलाउिंग पीपल प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ होमोसेक्सुअल ऑफेंसेज टू हैव द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इरेज्ड. उनके रिकॉर्ड्स को यहाँ पर रेज कर दिया जाएगा जो कि हमारी फर्स्ट हेडलाइन है. यहां पर सवाल आपसे मेरा है कि न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है उसको जरा बता दीजिए क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है. फिर बात करते हैं हमारी सेकेंड हेडलाइन की. प्राइम मिनिस्टर मोदी नेपाल प्राइम मिनिस्टर टू ले फाउंडेशन ऑफ 900 मेगावाट पावर प्लांट इन नेपाल इटसेल्फ जो कि नेपाल का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है. मैं आपको पढ़ देता हूँ. प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड नेपालीज पीएम केपी ओली जो कि इंडिया आने वाले हैं विल जॉइंटली ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 900 मेगावाट अरुण इसका नाम याद करेगा अरुण नाम है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एंड इट हैज़ बीन बिल्ट इन द नेपाल ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल. अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया विल प्रोवाइड 9,700 करोड़ रुपीज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और इसका एक्सपेक्टेड जो डेट है वो कंप्लीट होगा आपका 5 साल के अंदर और ये लार्जेस्ट आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि नेपाल के अंदर होने वाला है. तो ये चार चीज ध्यान दीजिएगा कि इसका कितना कैपेसिटी है कितना इन्वेस्टमेंट है किन्होंने इनॉग्रेट किया एंड ये नेपाल का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है. सो वी कवर टू हेडलाइंस गाइस. अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टू हेडलाइंस पर और नेक्स्ट थ्री हेडलाइंस पर वो ये रही आपके सामने. ट्रायल रन ऑफ फर्स्ट इंडिया बांग्लादेश कंटेनर ट्रेन हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ. जो भारत बांग्लादेश की पहली कंटेनर ट्रेन है उसको शुरू किया गया है एंड इसको बांग्लादेश और इंडिया ने शुरू किया. बेसिकली इसमें आपके 60 बोगीज़ होंगे और करीब 1200 टन इसमें आपका माल जाएगा एंड 8 घंटे लगेंगे इसको बांग्लादेश पहुंचने में. तो बेसिकली जो फर्स्ट इंडिया बांग्लादेश कंटेनर ट्रेन है उसको स्टार्ट किया गया है एंड उसकी डिटेल्स आप यहां पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं. फिर बात करते हैं उसको ज़रा मार्क कर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रेलवेज़ के लिए एसएससी के लिए बैंकिंग के लिए. दिस इज़ रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक वर्जन का इस बहुत ही कम खबरें होती हैं साइंस टेक में तो जो जो होती हैं उनको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. सो सेकेंड फोर्थ हेडलाइन है वो एस्पायर नासा सक्सेसफुली टेस्ट सुपरसोनिक मार्स लैंडिंग पैराशूट. यहाँ पर एस्पायर का ज़रा फुल फॉर्म मार्क कर देना उसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड सुपरसोनिक पैराशूट इन्फ्लेशन रिसर्च एक्सपेरिमेंट. तो इसको नासा ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एंड इसका इस्तेमाल किया जाएगा एज अ सुपरसोनिक पैराशूट टू लैंड टू हेल्प इन लैंडिंग ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इन द स्पेस मिशन ऑन मार्स. तो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ जो एस्पायर है उसका फुल फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर है जो कि आप देख सकते हैं जो कि है एडवांस्ड सुपरसोनिक पैराशूट इन्फ्लेशन रिसर्च एक्सपेरिमेंट पैराशूट जो कि नासा ने बनाया है और उससे वो मार्स पर लैंड करने की कोशिश यहाँ पर करेगा. अब बात करते हैं इसी पे फिफ्थ हेडलाइन की. इंडियन आर्मी
और HDFC बैंक ने साथ में आए हैं एंड दे हैव साइंड अ मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग ऑन डिफेंस सैलरी पैकेज. तो बेसिकली HDFC अकाउंट्स विल प्रोवाइड सैलरी अकाउंट्स, इट विल प्रोवाइड डिफरेंट पर्क्स, डिफरेंट सर्विसेज ऑन द अकाउंट्स टू द इंडियन आर्मी जवान्स. तो उसके लिए इन दोनों के बीच टाइप हुआ है. अगर ओवरऑल बात करें तो इंक्लूडिंग HDFC या फिर एट प्रेजेंट वी हैव 11 सच पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिनका MOU साइन है विद द इंडियन आर्मी. तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने HDFC बैंक ने साइन किया है एक MOU जिससे कि डिफेंस सैलरी पैकेज को दिया जाएगा, उसमें कई और पर्क्स को भी यहाँ पर देने जाने की बात को कहा गया है. सो गाइज अगर आपको शो पसंद आया तो बिल्कुल शो को लाइक किए बिना मत जाइएगा. पर ये तीन खबरें हैं, पहला इंडिया बांग्लादेश कंटेनर के, सेकेंड अस्पाग, एंड थर्ड आपकी इंडियन आर्मी और HDFC बैंक के बारे में. आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी सिक्स्थ और सेवन हेडलाइन पर. दोस्तों मैं आपको आज कवर कर रहा हूं द अदर हेडलाइंस फ्रॉम द 31st ऑफ मार्च टू द 4th ऑफ अप्रैल. बाकी जो हिंदू का रिमेनिंग होगा उसको हम आगे चलकर कवर कर देंगे. इंडिया हैज रैंक्ड 37th इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इन 2017. जो भारत की रैंक है इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग्स, उसमें इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स, तो उसमें जो भारत है वो आपका 37th आपका स्पॉट पर है. और इंडिया को ये रैंक मिला है आउट ऑफ 125 कंट्रीज और ये रैंकिंग है फॉर द 2017. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो टॉप 5 कंट्रीज हैं इस लिस्ट के अंदर उनके नाम हैं, US नंबर 1 पे है, UK नंबर 2 पर है, कनाडा इज नंबर 3, इजराइल इज 4th एंड जर्मनी इज एज 5th. ओवरऑल इंडिया 37th पर है और जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उनके नाम भी मैंने आपको यहां पर फिलहाल के लिए दे दिए हैं जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. अब फ्रस्ट्रेटेड ऑप्टिमिस्ट मेरे भाई, ये सारी खबरें 31 से 4 की हैं तो ऑब्वियसली बात है कल की होंगी, तो परेशान क्यों होते हो उस चीज़ के लेकर. फिर बात करते हैं सेवन्थ हेडलाइन की. मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क इनॉग्रेटेड एट बाली गोवा. कोंकण रेलवे रूट पर आपका बना है एक नया पार्क, इस पार्क का नाम है द मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क. और ये पार्क जो आपका बना है इट हैज़ बीन सेटअप विद द हेल्प ऑफ द कोंकण रेलवेज एंड द PSU दैट इज द कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनके समझौते के साथ बना है, जिससे कि जो बेनिफिट होगा टू द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इट विल बेनिफिट द इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस फॉर द इंडियन गवर्नमेंट. तो याद रखिएगा कि एक बना है आपका नया पार्क, वो पार्क बना है आपका एट बल्ली गोवा, उस पार्क का नाम है मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क विच हैज बीन बिल्ड विद द हेल्प ऑफ कोंकण रेलवेज एंड द कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. अब चलते हैं आपके सामने हमारी नेक्स्ट टू हेडलाइंस पर और वो ये रही आपके सामने, दैट इज द 8th हेडलाइन. इसको जरा मार्क कर देना, टियानगोंग 1. ये सबसे पहला आपका एक स्पेसक्राफ्ट था चाइना का, अगर मैं सही हूं तो इट वॉज द फर्स्ट प्रोटोटाइप स्पेस स्टेशन और स्पेस लैब आपका आपका चाइना का, जो कि एकदम बर्बाद हो गया था एंड उसको चाइना ने क्रैश कराया है अर्थ पर एंड इट हैज़ बीन क्रैश्ड एट द साउथ पैसिफिक ओशन, जो कि नियर है आपके दुनिया के सबसे बड़े स्पेस क्राफ्ट ग्रेवयार्ड के या स्पेस क्राफ्ट सिमेट्री के. तो जरा इसको मार्क कर देना, पहला टियांगोंग, सेकेंड मार्क कर देना स्पेस क्राफ्ट सिमेट्री और ग्रेवयार्ड, बिकॉज ये आपका एक एरिया है विच इज़ कॉल्ड एज पॉइंट नीमो, जो कि सबसे रिमोट प्लेस है अर्थ की, जहाँ पर कि जनरली जो स्पेस क्राफ्ट हैं उनको क्रैश यहाँ पर कराया जाता है. तो स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा कि टियांगोंग 1 नाम है इसका और ये स्पेस लैब थी आपकी चाइना की, जिसको कि क्रैश कराया गया है ऑन पॉइंट नीमो, जो कि दुनिया की सबसे रिमोट प्लेस है जहां पर कि ऑलरेडी हम स्पेस क्राफ्ट को क्रैश कराते हैं. टियांगोंग 1 वॉज द वेरी फर्स्ट स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना, जो कि ऑर्बिट में था आपका सितंबर 2011 से. अब आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको 9th एंड 10th हेडलाइन. Delhi has become the first city in India to now follow the BS6 norms. जो भारत स्टेज 6 norms हैं उनको follow करने वाला दिल्ली जो है वो पहला शहर बन गया है and वहाँ पर अब BS6 norm को follow किया जाएगा. अगर हम बाकी cities की बात करें, the other cities will follow these norms by January 1, 2019. और जो बाकी सिटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम द बिग सिटीज़ लाइक मुंबई, नोएडा एंड अदर सिटीज़, वो फॉलो करेंगी बाय अप्रैल 2020. तो बिग सिटीज़ विल फॉलो बाय January 1, 2019 एंड द अदर सिटीज़ विल फॉलो बाय अप्रैल 2020. तो इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा.
फिर बात करते हैं हमारी 10th हेडलाइन की. इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन प्रोड्यूसर. तो अगर क्रूड स्टील में सेकेंड है तो हम मोबाइल फोन प्रोडक्शन में भी अब सेकेंड स्पॉट पर हैं. एंड इंडिया हैज रिप्लेस्ड वियतनाम टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन्स. फर्स्ट पर ऑफकोर्स चाइना है आपका, जो कि क्रूड स्टील में भी है और मोबाइल फोन्स में भी है. एंड इंडिया अब आपका सेकेंड स्पॉट पर आ गया है. इंडिया इज टारगेटिंग टू हैव 500 million फोर मोबाइल फोन प्रोडक्शंस बाय 2019. तो ये भी इंडिया का एक टारगेट है. और अब ले चलते हैं आपको हमारी लास्ट हेडलाइन पर, जो कि ये रही आपके सामने. वेस्ट बंगाल हैज लॉन्च्ड रूपाश्री स्कीम फॉर मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स. ये स्कीम लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल के अंदर, जिस स्कीम के अंदर मैरिज से पहले दिए जाएंगे 25,000 rupees फॉर द मैरिज. और इसके लिए महिला का 18 साल के ऊपर होना ज़रूरी है. एंड यहाँ पर ओनली दोज फैमिलीज जिनकी इनकम 1.5 lakh से कम है, दे हैव इनकम लेस देन 1.5 lakh, ओनली दोज फैमिली विल बी प्रोवाइडेड. एंड ओनली टू द पीपल हु बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, जो बंगाल में रहते हैं उनको ही दिया जाएगा. इसके लिए सरकार ने 1500 crore rupees का एक एलोकेशन यहाँ पर किया भी हुआ है. तो गाइज ये थी हमारी आज की खबरें, और आपको ले चले हमारे अब लास्ट इमेज पर, और वो ये रही आपके सामने. तो गाइज अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर लेना शो को. और ये रही आपके सामने द लास्ट इमेज गाइज, हाउ टू बी हैप्पी, कैसे आप खुश रहें और कैसे आप सक्सेसफुल रहें. हेल्दी फूड, लेस स्ट्रेस, मोर फिट एंड बेटर स्लीप. अगर ये चार काम आप करते हैं तो माँ कसम आप सब खुश रहोगे, आबाद रहोगे एंड सक्सेसफुल भी भगवान ने चाहा तो आगे चलकर हो जाओगे. सो हैव हेल्दी फूड, बी फिट, हैव नो स्ट्रेस एंड बी हैप्पी एंड हैव अ हेल्दी स्लीप. सो विद दिस इज कुश पांडे साइनिंग आउट फ्रॉम द शो गाइज. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी. वी विल बैक अगेन टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस. बाय बाय एंड पीस आउट.